बेटा आने से तुम्हारा मेरा नंबर फिर बताऊंगा तेरी नक्की क्या है। हाँ जी पूजा जी भाई बहुत बढ़िया कलाकार आप लोगों के बीच में अनुराधा शर्मा पूजा शर्मा बहुत बढ़िया अच्छी आर्टिस्ट हैं बहुत बढ़िया कंठ है बड़ा अच्छा प्रोग्राम आप लोगों के बीच में दिखा करो बाय बाय करो ये दोनों लड़कियां हो ठीक है जी पिंकी देखिए दोनों हाथ पूछे अच्छा वेरी गुड शाबाश अभी आप लोगों के बीच कहां जी बात उठे सखी मेरे सासरे की कौन सी गाँव हेलो हमारी आवाज को कई गुना बढ़ाकर आप लोगों तक पहुंचाने वाले हमारे साउंड मास्टर जी कैमरामैन सभी को हाथ जोड़कर अनु शर्मा की प्यार भरी मीठी मीठी राम 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 तो बोलिए आइए मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जिन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ पर अपने माता पिता की याद में करवाया है पूरे सिसोदिया परिवार का मैं धन्यवाद करूंगी और धन्यवाद करूंगी हमारे बीच में नेशनल लेवल के कलाकार करमवीर भौजी जिनके नाम में ही दम है आइए मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जिनकी वजह से हम जैसे छोटे कलाकारों को आप जैसे महान श्रोताओं के बीच में आने का मौका मिला है प्रेमी श्रोताओं गाना तो कुछ और चाहती थी लेकिन फरमाइश कर दी कि बादल उठा हेरी सखी आइए कोशिश करते हैं उसी रागनी को गाने की किस तरह से बहुत बढ़िया भाई दयाचंद जी ने अपनी रागनी में लिखा और क्या लिखा सुनिएगा कैसे भाई सावन का हवाला देते हुए एक लड़की अपने ससुराल की बात बताएगी वही शब्द गलत नहीं है भाई रसीले शब्द है लेकिन पूरे सावन का हवाला दे रखा और देखिए ये सावन का मल्हार है पहले ऐसे राग होया करते थे कि अगर बारिश की जरूरत हुई तो राग गा दिया बारिश हो गई मेघा राग गाया तो बारिश हो गई बादल गरजे लेकिन आजकल तो सिस्टम ही उल्टा चल रहा है बाहर का रोना ज्यादा चल रहा है आइए लेकर के चलेंगे वही सावन का प्यारा सा मल्हार और किस तरह से सुनेगा लड़की की शादी हो जाती है ससुराल जाने के बाद वो पीहर वापस आती है जब अपने पीहर वापस आती है तो अपने ससुराल की बात को याद करती है कि कैसे कैसे मेरी शादी हुई और सावन का महीना आया और नन्नी नन्नी बूंदे आ रही थी कैसे मैं सखियों के साथ झूला झूलती हुई और क्या मन में सोच रही थी अपनी सासरे की बात को याद करती है वो लड़की अपने पीहर में सुनिएगा कैसे हीरी बात है फतेह सिंह जी
सारे मुकुंदपुर जाना है, इसने तू ही कौन जाने पता नहीं कैसे रहे। मेरे से पूछ लेती पागल, अब जानेगी ना। हाँ मेरे से पूछ लेना जिसका नाम पूछना मैं Thank you.
क्या बात बताऊं, कैसी मोटी मोटी वो बूंद पड़ रही थी और कितना मजा आ रहा था। कैसे कहने लगी सुनिएगा, क्या बता दिया हवा के झकोरे से पानी की बहाती आते नोरे से चकला की बाड़ खुल के जो बदरे और सोरे से चकला के बाड़ खुल के जो बदरे और सोरे से इशारा झूला तो पड़ी गए अपने बाजी डाली पहने जी झूला तो पड़ी गए अपने बाजी डाली पहने जी कोई राधा को तो पाया पीन राधा को झूलाई झूला Thank you.
हाय हाय हाय, जब तक ये जीवन है जब तक ये मजे ले लो बस, अन्यथा मरने के बाद नहीं मिलता कुछ भी। और किस तरह से कहने लगी आखिरी बात में कि जब इंसान चला जाता है तो बस उसकी याद ही रह जाती है, और याद ही कैसी रह जाती है, किसी शायर ने लिख दिया प्रेमी श्रोताओं की यादें रह जाती है और दिन गुजर जाते हैं, यादें रह जाती हैं और दिन गुजर जाते हैं, देखते ही देखते हरे भरे बाग उजड़ जाते हैं। अरे वक्त के हाथों का खिलौना आता है आदमी, जीवन भर के हम सफर पल भर में बिछड़ जाते हैं, पल भर में बिछड़ जाते हैं। दया चंद गैल मनुष्य की मापन में एक खींचा जाते बेटी पुस्तक गैल मनुष्य की बेटी पुस्तक वेद सास करे गैल मनुष्य के गीता जाते काल के न तार तूरे काल के जीता जाते। और बहनगी मरती बरिया हाथ मिया दोनों हाथों रिता जाते मरती बरिया। झगड़ा झूठा एरी सखी झगड़ा झूठा एरी सखी चारा खोल छो। पंडित जी, ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। अच्छा, दूर के दिन